यूनिट वेट का बात करें तो बल्क यूनिट वेट तो बल्क यूनिट वेट जो होता है ना वो एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो यूनिट होता है उसी को बोलते हैं बल्क यूनिट वेट तो यूनिट वेट मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ड्राई यूनिट वेट ड्राई स्टेट में जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं ड्राई यूनिटवेट और सेचुएटेड स्टेट में जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं सेचुएटेड यूनिट वेट और समर्ज स्टेट में जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं समर्ज यूनिट वेट समर्ज यूनिट को गामा डैश से डिनोट करते हैं गामा इक्वल कॉल्ड होता है गामा सेचुरेटेड माइनस गामा वाटर मतलब सम्भर्ज यूनिट वेट को इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को एस से डोनेट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट वेट है कुछ इस तरह से रिलेटेड है सबसे बड़ा होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड उससे छोटा सेचुरेटेड वेट उससे छोटा बल्क उससे छोटा ड्राई और सबसे छोटा है समर्ज यूनिट वेट यूनिट वेट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द सेचुरेटेड यूनिट वेट के इक्वल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको ट्रू या अब्सोलूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं ये होता है सॉलिड का वेट डिवाइड बाई फ्लूड और मास बल्क या अपनेट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ये का वेट डिवाइडेड बाय फ्लूड यहाँ पे सॉलिड का वेट डिवाइडेड बाय फ्लूड होता है स्टैंडर्ड फ्लूड जो भी होगा उसको कंसीडर करेंगे और यहां पे सॉइल का वेट डिवाइडेड बाय फ्लूड होता है तो उस केस में मास बल्क या अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आता है ये मास के स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाई वाटर सॉलिड जो भी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी अब या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना हमेशा मास स्पेसिफिक रेविटी से बड़ा होता है ए सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है गामा बल्क इज इक्वल टू जी प्लस ए सी गामा वाटर डिवाइड बाई वन प्लस ई होता है गामा सेचुएटेड जी प्लस ई गामा वाटर डिवाइडेड बाई वन प्लस ई होता है गामा सेचुरेटेड जी माइनस वन गामा वाटर डिवाइड बाई वन प्लस ई होता है गामा ड्राई इज इक्वल टू होता है जी गामा वाटर डिवाइड बाई वन प्लस ई को इस तरह से भी लिख सकते हैं गामा बल्क डिवाइडेड बाई वन प्लस गामा वाटर